हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सिस्टी क्रिएटिव आइडिया चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको लकी प्लांट की रिपोर्टिंग करना बताऊंगी। फ्रेंड्स, इसका नाम आप बताइए। इसका नाम है जेड प्लांट। गार्डन में धूप निकल चुकी है, सुबह के 10:30 बज रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इसका नाम है जेड प्लांट। ये बहुत अच्छा प्लांट लगता है मुझे और ये ट्री की शक्ल ले लेता है। अगर आप इसको ठीक से लगाओगे, ठीक से केयर करोगे, वायरिंग वगैरह करोगे, तो ये बोनसाई का लुक बहुत अच्छा लेता है। सबसे पहले मैं इसकी केयर बता देती हूँ। ये इंडोर प्लांट है फ्रेंड्स, बाकी सब कहते हैं, बट मेरे हिसाब से ये आउटडोर इंडोर दोनों जगह चलता है, बहुत अच्छा चलता है। पहले भी मेरे पास ये प्लांट था, पिछले साल गिलहरी वगैरह ने ख़राब कर दिया था। और इसकी प्रोपोगेशन जो है फ्रेंड्स, लीफ से भी हो जाती है, कटिंग से भी आप इसको ग्रो कर सकते हो। और इसके लिए खाद वगैरह की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे आप अपने गार्डन में बाकी सारे प्लांट को खाद देते हो, वैसे इसको भी दे देना। खाद की मैं बात करूँ तो कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, गोबर खाद आप सब कुछ ऐड कर सकते हो इसमें 20 से 22 दिन का गैप देकर। और लिक्विड फर्टिलाइज़र में आप इसमें 15 से 18 दिन का गैप दे देना। लिक्विड फर्टिलाइज़र मेरे चैनल पर जाके देख लेना, बहुत सारे लिक्विड फर्टिलाइज़र मैंने बताए हैं, वो सारे आप इसमें ऐड करना, तो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी और देखने में ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। और ये बेस्ट एयर प्यूरीफायर भी है, हवा को साफ करता है और डेफिनेटली हमारे लिए ऑक्सीजन तो ये देता ही है। तो अपने गार्डन में इसे ज़रूर ऐड कीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए इसकी मिट्टी की बात कर लेते हैं। पॉट जो है इसका आप छोटा ही रखना, ज़्यादा बड़े पॉट की इसको ज़रूरत नहीं है। आप इसकी लीफ देखिए, काफ़ी मोटी है, जितनी मोटी इसकी लीफ है उतना ही पानी इसके अंदर है, तो पानी की रिक्वायरमेंट इसकी बहुत ही कम है। सर्दियों में आप इसको महीने में 2 बार ही पानी देना और गर्मियों में हफ्ते में 1 बार देना। ओके फ्रेंड्स, तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं मिट्टी की बात करूं तो हमारी इसमें मिट्टी जो है 50% के करीब मैंने इसमें मिट्टी रखी है, और मैंने इसमें 30 से 35% रिवर सैंड रखा और बाकी हिस्सा मैंने इसमें खाद रखा है, वर्मी कंपोस्ट, कंपोस्ट जो भी आपके पास हो। मेरे पास थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा गोबर खाद पड़ा था, वही मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ठीक है, अच्छा सा इसमें मैंने पॉटिंग मिक्स बना लिया है। और मैंने जो इसके लिए पॉट चुना है वो बहुत छोटा है, ये मेरे गार्डन का ही पॉट है, ये मैंने खुद ही बनाया था किचन से, वेस्ट पॉट है ये मेरा। मैंने कलर वलर करके इसको सेट कर दिया था। ये देखिए नीचे आपको दिख रहा होगा, मैंने होल किए हुए हैं, तो आप इसमें अच्छे से होल बनाने ला। जो भी पॉट आप यूज़ करोगे मिट्टी का तो बेस्ट है, बट हम अभी मिट्टी का यूज़ नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमें सब कुछ अपने टेरेस पर ही रखना है, छत पर ज़्यादा लोड ना पड़े इसका भी हमें ध्यान रखना होता है। तो ये देखिए, अपने छेद को कवर कर देना और उसके ऊपर जो आपने पॉटिंग मिक्स बनाया है वो इसमें ऐड करना है आपको, हाफ से कम थोड़ा सा आप इसको भरिए। सारा भरेंगे तो आपको प्लांट लगाने में दिक्कत होगी। आज का जो प्लांट है मैं इसकी कटिंग भी ग्रो करूँगी और लीफ भी ग्रो करके देखूँगी कि कितने दिन में वो रेडी होती है, क्योंकि पिछले साल जब मैंने ग्रो की थी तो उसको 1.5 से 2 महीने का टाइम लग गया था। वो मैंने मई जून के टाइम पर करी थी, इस बार हम फरवरी में कर रहे हैं, तो मैं एक्सपेरिमेंट करके देखती हूँ कितनी जल्दी उस पर रूट वगैरह बनती है। तो मैं इसमें प्लांट लगा के फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने पॉट में फंगी पाउडर और मैंने एप्सम सॉल्ट डाला है, जिससे मेरे प्लांट जल्दी से ग्रोथ पे आ जाए और इसमें ज़्यादा सॉक में ना जाए कि मैं पता नहीं कहाँ चला गया हूँ। और ये देखिए, इसकी रूट बॉल काफ़ी अच्छी बनी हुई है। मैंने इसकी रूट बॉल को तोड़ा नहीं है, मैं ऐसे कैसे इसे यहाँ लगाऊँगी। मैं इसे सेट कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे अच्छे से सेट कर दिया है, इसमें से मैंने कटिंग भी ले ली है फ्रेंड्स। मैं कटिंग भी ग्रो करके देखूँगी और किसी वीडियो में उसकी अपडेट भी मैं आपको दूंगी कि हमारा प्लांट जो हमने कटिंग से ग्रो करने की कोशिश की है वो कैसा चल रहा है। ये बहुत नाजुक सा प्लांट होता है फ्रेंड्स, ज़रा सा हाथ वाथ लगते ही टूट जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, प्लांट अच्छे से सेट हो गया है, अब हम इसमें वाटरिंग कर देते हैं। फर्स्ट टाइम वाटरिंग आपको बहुत अच्छे से करनी है, नीचे का जो हमने ड्रेनेज होल बनाया है वहाँ से पानी इसका ड्रेन आउट होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मैं इसकी धूप की बात करूं हाल फिलहाल की, तो अभी मैं इसको 10 दिन के लिए बिल्कुल छाए में रखूंगी, जैसा कि अभी ये रखा है, ज़रा सी भी सूरज की किरणें इस पर नहीं पड़ने दूंगी। लगभग 10 से 12 दिन के बाद ही मैं इसे अपने टेरेस पर रखूंगी। ठीक है फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कॉमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक के पास। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और साथ में जो घंटी का बेल आइकन आता है उसे भी प्रेस करना, ऑल पे प्रेस करना फ्रेंड्स, जिससे भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगी तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। ओके फ्रेंड्स।